हेलो गाइज, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फार्मेशन चैनल। गाइज, हम प्रेजेंट है लेकर के अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 68,500। अब इसमें देखेंगे 150 क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे के पेपर रहेगा। संपूर्ण जानकारी के लिए इस पूरी वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पर देखेंगे कितने परसेंटेज लाने होंगे और 150 में से पासिंग क्या नंबर होगा, परसेंटेज उसका नंबर का क्या होगा, कितना नंबर लाना होगा जनरल ओबीसी एससी एसटीसी के लिए। तो इसके बारे में डिटेल्स, यदि जानकारी चाहिए तो पूरी वीडियो देखिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। यहाँ पर देखेंगे जैसा कि एक वीडियो बन चुकी है सिलेबस पे, यहाँ पे देखेंगे सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा के जो स्ट्रक्चर है, विषय वस्तु उसका है। यहाँ पे देखेंगे कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति पत्रांक, और इसमें जो है इतने इतने के तहत ये जो पहले का है, और सिलेबस सेम यही रहेगा, सिलेबस न्यू नहीं आने वाला है। यहाँ पे देखेंगे 3 घंटे का पेपर रहेगा, संपूर्ण पेपर 150 का रहेगा, और ये प्रश्न ये नहीं रहेगा लघु उत्तरी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन का लेवल रहेगा कैसे। तो मैं डिस्क्रिप्टिव पूरा सिलेबस के बारे में बताना नहीं चाहती हूँ, यदि नहीं देखे उस वीडियो को तो ये पूरा सिलेबस दिखाते हुए चल रही हूँ, आप उसको कर लेंगे, पोस्ट कर लेंगे, अपना स्क्रीन शॉट मार लेंगे, देख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे भाषा हिंदी संस्कृत अंग्रेजी विज्ञान गणित पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन कक्षा 12 स्तर का होगा, ये चीज चेतावनी है। शिक्षण कौशल बाल मनोविज्ञान सूचना तकनीकी जीवन कौशल प्रबंधन एवं आवृत्ति, ये डीएलएड यानी बीटीसी के पाठ्यक्रम के आधार पे होगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, ये देखेंगे सिलेबस है, यहाँ पे ये सिलेबस है, भाषा हिंदी संस्कृत अंग्रेजी है, विज्ञान गणित पर्यावरण सामाजिक अध्ययन शिक्षण कौशल बाल मनोविज्ञान और सामान्य ज्ञान सामयिक घटना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और क्या है सिलेबस में, तार्किक ज्ञान सूचना तकनीकी और जीवन कौशल प्रबंधन एवं आवृत्ति। सूचना तकनीकी 2 बार दिया है तो 1 होगा, ठीक है, और जीवन कौशल प्रबंधन एवं आवृत्ति। तो अब आ जाते हैं जिसकी चर्चा करने के लिए हमने बोला था, तो ये हमारी आज की टॉपिक है, चर्चा करने वाले हैं प्रश्न पत्र की भाषा। प्रश्न पत्र अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषा में होगी, परंतु अभ्यर्थी द्वारा अंग्रेजी विषय के प्रश्नों को छोड़ करके शेष विषय प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी में देने होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे उनकी अर्हता क्या है। यहाँ पे सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, और सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग अभ्यर्थियों का पूर्णांक 150 में से ओबीसी के लिए और जनरल के लिए 67 अंक लाने होंगे। अब देखेंगे यहाँ पे आपको, यदि आप जनरल एवं ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको कितने लाने होंगे नंबर, 150 में से आपको नंबर लाने होंगे 67 लाएंगे तो आपका परसेंटेज इसमें कितना बनेगा, 45% बनेगा। ये तो मात्र पासिंग रहा, और आपको मेरिट में लाना है तो और अच्छे नंबर लाने होंगे, 100 से अब जाएंगे तब अच्छे मेरिट बनेगी। अब आ जाते हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, दिख रहा होगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के श्रेणियों के लिए न्यूनतम अर्हता कितना लाना है। तो इनको देखेंगे एससी और एसटी के लिए 150 में से इनको लाना होगा 60 नंबर। अब इन 60 नंबरों का परसेंटेज हो जाएगा इनका 40%। तो इनका था पासिंग मार्क्स। बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि कितना नंबर लाना होगा, क्या करना होगा। ये मैक्सिमम करके एससी एसटी वाले लाएंगे 100 तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा मान के चलेंगे, और जनरल ओबीसी को
मोस्टली करके मेरिट में आएंगे, 120-125 लाएंगे, तो इनकी सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। तो ये था आपके लिए अपडेट न्यूज़, जो कि हम बताने वाले थे कि आप कितना परसेंटेज लाएंगे एग्ज़ाम में तो पास हो सकते हैं, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा।